नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन एक मार्च के तौर पर हुआ जो कि दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक निकाली गई। और इस मार्च में दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र तो मौजूद थे ही, लेकिन उसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटीज, फिर चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर जेएनयू से जुड़े हुए छात्र प्रदर्शनकारी के तौर पर मौजूद रहे। इस प्रदर्शन के दौरान कुछ एनजीओ से जुड़े हुए लोग भी मौजूद रहे तो कुछ राजनीतिक चेहरे भी, जिसमें योगेंद्र यादव का चेहरा भी शामिल था। प्रदर्शनकारी लगातार मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध कर रहे थे। उनका ये कहना था कि सरकार ने जिस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई है वो संविधान के खिलाफ है, और इस वजह से जब ये मार्च निकाली जा रही थी तो उस दौरान वहाँ पर हमारे देश के महापुरुषों के भी कई कटआउट्स नज़र आ रहे थे, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का था, अबुल कलाम आज़ाद का और भगत सिंह का भी कटआउट वहाँ पर मौजूद था। इसके अलावा कुछ और महापुरुषों के कटआउट्स और तस्वीरें भी नज़र आ रही थी इस विरोध मार्च के दौरान। इतना ही नहीं, इस विरोध मार्च में लगातार आज़ादी के नारे लग रहे थे और उसके साथ ही लगातार नारे में यही जताने की कोशिश थी कि आज़ादी चाहिए एनआरसी और सीएए से। हालांकि जब प्रदर्शनकारियों से सवाल पूछा कि जब खुद देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि एनआरसी को लेकर अभी कोई ठोस चर्चा नहीं हुई है, उसका ड्राफ्ट तैयार है और अफवाह फैलाई जा रही है, तो फिर आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों? प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हमको प्रधानमंत्री की बात पर भी यकीन नहीं। सवाल यही है कि अगर देश का प्रधानमंत्री भरोसा दिला रहा है, उसकी बात पर यकीन नहीं, तो फिर किसकी बात पर यकीन होगा? इसका उनके पास कोई ठोस जवाब तो नहीं था, लेकिन उनका यही कहना था कि प्रधानमंत्री ने बात भले कुछ कही हो, लेकिन देश के गृह मंत्री ने भी देश की संसद में एनआरसी लाने की बात कही थी, लिहाजा ये सरकार हमको गुमराह कर रही है। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने लोगों को गुमराह करने की जो बात कही थी उस पर सवाल पूछा, उनका ये कहना था कि हमको इतना पता है कि ये कानून देश के खिलाफ है और हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के प्रदर्शन तो ज़रूर हो रहा था, लेकिन किस चीज़ को लेकर के, तो उसमें भी लोगों को असमंजस भी था। लेकिन जो लोग सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये कानून देश के संविधान के खिलाफ हैं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। और इसी वजह से लगातार जो नारे लग रहे थे वो सीए और एनआरसी को लेकर लग रहे थे। हालांकि शुरुआत में जानकारी आई थी कि पुलिस इस मार्च को मंडी हाउस से ज़्यादा आगे जाने नहीं देगी और उसकी अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में जब जो प्रदर्शनकारी जो वहाँ पर पहुँचे मंडी हाउस पर, तो उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से बात की और पुलिस के अधिकारियों को भरोसा दिया कि अगर वो मार्च निकालेंगे तो शांति से निकालेंगे, वहाँ पर किसी तरीके का कोई उपद्रव नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, जिसके बाद में पुलिस ने उनको अनुमति दी। मार्च शुरू हुई दिल्ली के मंडी हाउस से, बाराखंबा रोड होते हुए टॉलस्टॉय मार्ग पहुँची और उसके बाद केजी मार्ग यानी कि कस्तूरबा गांधी मार्ग होते हुए जनपथ और उसके बाद में जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर एक मंच तैयार किया गया था और उस मंच पर वो सभी लोग मौजूद थे जो कि मार्च में या तो जिन्होंने जो है अपना भाषण दिया था या अपनी बातें रखी थी। और यहाँ पर पहुँचने के बाद में जामिया के वो छात्र भी शामिल हुए जिनका कहना था कि पुलिस ने उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई थीं। तो एक तरीके से जो मार्च निकाला गया उसका मकसद यही था कि सीए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर के जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन एनआरसी जिसको लेकर के खुद देश के प्रधानमंत्री ने बात कह दी थी उस पर वो बात करने को तैयार नहीं, या ये कहा जाए उस पर यकीन करने को तैयार नहीं। तो सवाल बार बार रह रह करके यही उठता है कि जब देश के प्रधानमंत्री एक कोई बात कह रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं होगा, तो आखिर किसकी बात पर विश्वास होगा? क्योंकि प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि हम प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं कर सकते, तो अगर देश के प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं तो आखिर किसकी बात मानेंगे, किस पर करेंगे विश्वास? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।